हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद जबीन। आज हम आपको मूंग की दाल और पालक की रेसिपी देंगे, तो आपको बताते हैं रेसिपी। मैंने 300 ग्राम ये मूंग की दाल लेके धो ली है, और पालक मैंने ले लिया है तकरीबन 200 ग्राम, और इसे धो के काट लिया है। मैंने इसमें ऑयल लिया है 3 बड़े चम्मच ये वाले, और अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और अपना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अब इसमें डाल देंगे हम दाल जो हमने धो के रखी। और साथ ही इसके पालक भी डाल देंगे। अब हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिए, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने चिली पाउडर ले लिया, और 1 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है। ये हम मसाले भी डालेंगे, और गरम मसाला भी नहीं डालेंगे, वो मैंने ले लिया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इसमें मैंने सारा कुछ मिक्स किया हुआ है, ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च और सिनेमन वगैरह सब पीस लिए। इसमें हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए सिवाय गरम मसाले के, वो हम बाद में डालेंगे। अब हमने इसमें डाल दिए तकरीबन 5 कप से ऊपर पानी डाला है, तकरीबन 5 कप है पानी, ये वाले कप मैंने डाले, तो क्योंकि दाल पक के गाढ़ी भी हो जाती है, अगर आप समझते हैं कि गाढ़ी होगी तो थोड़ा सा पानी आप और भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम पका रहे हैं तो फिर देखते हैं। इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून। इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर काट के डाल दिए। अब हम इसे टमाटर डालने के बाद इसे पकने देंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। अब इसमें हमने 2 सफेद मिर्चें काट के इसमें डाल दी। अब इसको मीडियम आंच पे हम इसको पकने देंगे। ये दाल तकरीबन हमने 30 मिनट्स के करीब पकी है, और ये देखें आप इस तरह होती है, तो अब ये रेडी है दाल पालक। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, जो हमने रोक लिया था पहले, वो हम डाल के इसमें गरम मसाला कर देंगे, और हल्का सा भगा दे देंगे इसको। बघार के लिए हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल लेके गरम करके, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया ये 1 टेबल स्पून, और इसमें हमने 1 टीस्पून जीरा डाल दिया। अब हम इसमें बघार डाल देंगे। ये हमारी पालक दाल रेडी है, और इसको डिश आउट कर लेंगे।
आप डिश आउट करने से पहले मसाले वगैरह चेक कर लें, मेरे बहुत सही मसाले हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो नमक मिर्च आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको मैंने छोटी कढ़ाई में निकाल लिया है और इसको पे डाल दिए हैं सब्ज़ मिर्चें और धनिया, फ्रेश धनिया इस पे थोड़ा डाल दिया, और ये हमारी दाल पालक रेडी है। ये देखें हमारी पालक दाल रेडी है और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आप बनाएं, खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल कुक विद जबीन। अल्लाह हाफिज़।